हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम आए हैं तारापुर, और सुबह के 9 सवा 9 जितना टाइम हुआ होगा, क्योंकि घर से हम 7:45 बजे निकले थे। तो 1-1.5 घंटा तो निकल जाता है तारापुर आते आते। और हम जा रहे हैं शादी में, एक शादी अटेंड करनी है, और शादी है मेरी कज़न सिस्टर की। तो अभी आए हैं हम तारापुर चौकड़ी, तो ये है तारापुर चौकड़ी। तो तारापुर इसलिए हम आए हैं कि यहाँ से मम्मी और पापा दोनों को लेकर जाना है शादी में। तो अगले ही दिन मुन्ना भाई और शंभू दोनों गए हैं शादी में, और बाकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मम्मी और पापा दोनों रुक गए हैं बा के पास, क्योंकि घर में कोई नहीं था तो किसी न किसी को तो रुकना ही पड़ता है। तो बस उनको लेने के लिए जा रहे थे। तो मुझे भी जाना था अगले दिन, और एक और शादी थी जानकी की, देवर की, तो वो भी शादी मैंने अटेंड नहीं की थी, तो ये शादी में तो जाना ज़रूरी था। तो फिर मैं शादी के दिन ही गई थी। तो फिर कॉल पे बात हुई थी मम्मी पापा के पास, तो बोले थे कि हमें लेकर जाना, इसलिए हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स घर आ चुका है, तो चलिए अब चलते हैं घर में। तो देखिए घर आ गया है, तो हम यहाँ पे ही उतर गए थे। तो दिव्या और जानसी दोनों मेरे बाजू में चल रहे थे, तो मैं बोली थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे चलो, मैं आपके पास ही आती हूँ। तो देखिए घर आ गया है, घर पे कोई नहीं है, सिर्फ बा है, मम्मी पापा और एक कारीगर है सोमा काका, बस वही है। तो चलिए घर के अंदर जाकर देखते हैं। और इस तरह से मैं पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ, यहाँ से डायरेक्टली अंदर लेकर जाऊँगी वैसा। तो चलो आपको दिखाती हूँ थोड़ा बहुत घर भी। तो घर पे तो कोई नहीं है, घर पूरा खाली खाली है। तो देखिए मम्मी अभी तैयार नहीं हुई है, मम्मी ने अभी तीखे पराठे बनाए हैं मसाले वाले, क्योंकि बा है यहाँ पे और बाजरी की रोटी बनाई है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अभी तुम रेडी नहीं हुई हो, तो बोले कि नहीं नहीं अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, बस मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलो मैं फटा, मम्मी रेडी हो गए थे, उसके बाद हम निकल चुके थे शादी के लिए। तो मम्मी ने चूड़िया सब कुछ पहनना बाकी रखा था, तो वो बस ऐसे ही गाड़ी में बैठे बैठे तैयार हो रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी वाली साड़ी पहनी है। तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और कंघी मुझे अपने पास ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जानसी के बाल ऐसे हैं कि अगर खुले बाल रखते हैं तो बार बार उसके बाल जो है वो उलझ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे कंघी रखनी ही पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्टली शादी में मिलूँगी, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे भी वीडियो। तो हम पहुंच चुके हैं शादी में, और यहाँ पे सब लोग एक ही साथ थे, तो मैंने बोला चलो मैं आपका वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो मैंने फिर सोचा वीडियो शूट कर लिया जाए। तो वीडियो का नाम जैसे पड़ता है ना, वैसे बच्चे तुरंत ही राजी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं वीडियो यूट्यूब पर रखने वाली हूँ, तो इसलिए वो इतने राजी हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए रिद्धि और जानसी दोनों बातें कर रहे हैं, और ये जब भी मिलती हैं तब भी इतनी बातें करती, इतनी बातें करती है कि उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि पिछले जन्म की कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस जन्म में भी अभी तक तो आपकी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, आगे जाकर होगी भी या नहीं होगी पता नहीं। और ऐसे छोटे मोटे जो फंक्शन होते हैं ना, उसमें ही हम सारे रिश्तेदारों को मिल पाते हैं, पर्सनली जाकर तो इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी रिश्तेदार को मतलब कि इस समय में मिल सको। क्योंकि कभी कभी होता है कि चलो इनके घर जाते हैं, बहुत साल महीने हो गए हैं मिले नहीं हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये जो सामने खड़े मेरी बुआ है, सबसे छोटी वाली बुआ है, और अभी सब लोग जा रहे हैं दूल्हे राजा को मिलने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा रिवाज है, जब भी बारात आती है तो दूल्हे राजा को मिलने के लिए जाना पड़ता है। और फिर आकर हम बैठ चुके थे हॉल में, तो यहाँ पे देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, उनको तो मतलब कि फुल मौज में आ जाते हैं। इस तरह जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ आकर हम सब लोग बैठे थे नीचे। तो फिर देखिए यहाँ पे राज भी इतनी मस्ती कर रहा है, रूसी भी इतनी मस्ती कर रहा है, और चलो मैं मिलवाती हूँ आपको सिया से। तो सिया खेल रही थी जानसी के साथ, और मैंने सोचा चलो इसका भी छोटा सा वीडियो ले लेती हूँ। और इसकी स्माइल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी स्माइल है इसकी। और चलो मैं मिलवाती हूँ आपको दुल्हन से। तो फिर इसका नाम तेजल है, मैं नाम बताना भी भूल गई। तो जब भी मैं अंदर आई रूम में, तो मैंने उसको पहले ही पूछ लिया मैं तुम्हारा वीडियो लूँ, उसको पता है कि मेरी चैनल है यूट्यूब पर।
तो उसने मना नहीं किया तो मैंने वीडियो ले लिया। जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो सबसे पहले पूछ लेती हूँ, अगर हाँ कहे तब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, वरना नहीं करती हूँ। तो अब बारी है जयमाला की, और गुजराती में जयमाला को हम वरमाला बोलते हैं। तो बस इसी की तैयारी है, और यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी तो एक लड़की जो है वो मुझसे छुप रही थी, और वो है मेरी भतीजी। तो मैंने उसको पूछा कि तुम मुझसे छुप क्यों रही है, तो बोली कि आप मुझे वायरल कर दोगे। मैंने बोला अच्छा है ना, घर बैठे बिठाए तुझे मैं वायरल कर रही हूँ। फिर बाद में उसने मुझे सामने से वीडियो शूट करवाया था, वो भी मैं साइड में रख रही हूँ, वो भी आप देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है जयमाला की, और इतना डांस किया ना, दोनों तरफ से इतना डांस किया ना, वो सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा।
ब्रोकली और तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसी भी रस्में होती हैं कि आखिरी फेरे में दुल्हन का भाई दूल्हे के पैर का अंगूठा पकड़ता है और नेक मांगता है। अगर उसको नेक नहीं मिलती है तो वो आखिरी फेरा नहीं होने देता है। तो यहाँ वही डिस्कस चल रही है और फाइनली क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं वो आते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं और फिर बात ख़त्म करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कितना नेक मिला। तो बस यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। तो फ्रेंड्स, नए कपल को आप आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ और अभी मैं लंबा करूँगी तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।